हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स की स्टडी बाइट्स में। इससे पहले भी हम एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप चाहे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, या फिर कह दे KGBV। KGBV की स्थापना क्यों हुई, तो ये मुख्य रूप से है बालिकाओं हेतु। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं जितनी भी वंचित वर्ग की बालिकाएं हैं जिन्हें समय से शिक्षा नहीं मिल पाई, उनकी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से सन 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना को आरंभ किया गया या प्रारंभ किया गया। 2007 में से SSA सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। ध्यान रखना है दो साल, एक तो 2004 में SSA के अंतर्गत स्थापना और 2007 में से SSA अभियान के साथ जोड़ दिया गया। तो इसका मतलब SSA के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई, 2004 से लागू की गई। इस कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के तहत चयनित जो भी ब्लॉक्स का चयन किया गया उनमें से प्रथम चरण में तो 56 ब्लॉक्स और द्वितीय चरण में 130 ब्लॉक्स में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को क्या किया गया, स्वीकार किया गया था। मतलब यह राज्य के कुल 30 जिलों के 186, और वो भी 186 ब्लॉक्स वे जो क्या है शैक्षिक रूप से पूरे पिछड़े हैं, उनमें क्या 186 ब्लॉक्स को स्वीकृति दी गई। तो वर्तमान में SSA के अंतर्गत 186 विकास खंड जिनमें ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है, उनमें कौन है, KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है। इसके अलावा 14 शहरी क्षेत्र जहां अल्पसंख्यक 20% से अधिक निवास करते हैं, वहां 14 अल्पसंख्यक KGBV संचालित है। तो टोटल राजस्थान में अभी वर्तमान समय में टोटल 200 KGBV संचालित है, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में 200 KGBV जिसमें से 14 अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, ये ध्यान रखना है, 186 + 14। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014-15 से इन विद्यालयों में नामांकन क्षमता का 5% विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए प्रवेश हेतु क्या कर दिया गया, सुनिश्चित कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। 2014-15 से 2011-12 से पहले ये सब 8 तक ही थे, लेकिन 2011-12 से क्या कर दिया गया है, इसमें अब ये कक्षा सीनियर सेकेंडरी हेतु ये बालिका आवासीय विद्यालय हो गई है। ईयर ध्यान रखने हैं, 2011-12 में इन विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी कर दिया गया। अब इनकी थोड़ा सा ये देखते हैं कि किस तरीके से है। 30 जिले, 186 ब्लॉक्स हैं, उनमें 131 KGBV जो प्रथम मॉडल निकाला, फर्स्ट मॉडल, उसमें 100 बच्चों के लिए, तो 100 बालिकाओं के लिए 131 KGBV उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय, और फिर 50 बालिकाओं हेतु 55 KGBV मॉडल थर्ड में स्वीकार किया गया था, कहा था 186 में। तो KGBV में प्रारंभिक स्तर पर मुख्य रूप से ST SC OBC अल्पसंख्यक BPL परिवार की लड़कियों के लिए ये आवासीय विद्यालय खोले गए। वर्तमान में 200-200, इनका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है, KGBV ये पिछड़े वर्ग अवंचित बालिकाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। अब इनकी कुछ संचालन समिति का देखते हैं। इसमें 5 स्टाफ 5 लोगों का होता है मुख्य रूप से। इसमें होता है BRCF अध्यक्ष, कई बार पूछ लिया जाता है, BRCF अध्यक्ष होता है। KGBV की वरिष्ठ अध्यापिका जो कैसे लगाई जाती है, प्रतिनियुक्ति पर लगाई जाती है। इसके अलावा होता है जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ लेखाकार सदस्य होता है। इसके अलावा CRCF सदस्य होते हैं और एक वार्डन होती है, ये ध्यान रखा है मुख्य रूप से। अब प्रवेश कैसे होता है, तो प्रवेश के अलग अलग तरीके हैं। इन विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रवेश लेना है तो विभिन्न श्रेणी की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। एक तो जो ब्रिज कोर्स होता है उसके माध्यम से जो कक्षा 5 में उत्तीर्ण बालिकाएं, उन्होंने 5वीं क्लास पास कर ली उनको, या फिर जो विशेष आवश्यकता वाली बालिकाएं होती है उन्हें मिलता है, या फिर जो 10 वर्ष की आयु या 14 वर्ष की आयु से अधिक जिनका कभी नामांकन ही नहीं हो विद्यालय में उनके। इसके अलावा कुछ बालिकाएं होती है जिनके माँ बाप का निधन हो गया होता है
और या फिर कुछ बीमारी से ग्रस्त बालिकाएं होती है जो विद्यालयों को जो उस समय के अनुसार क्या नहीं कर पाती है, शैक्षिक शिक्षा के अवसर उन्हें नहीं मिल पाते हैं समय के अनुसार, तो वो बालिकाएं, तो वो ही बात हो गई कि शिक्षा से अवांछनीय बालिकाएं, पिछड़ी बालिकाएं। इसके अलावा जो विद्यालयों में 75% 75% जगह होती है वो होती है अनुसूचित जाति जनजाति की बालिकाओं को, और जो 25% बची है, जो 25% बची है, उनके लिए गरीबी रेखा से नीचे जो बालिकाएं जीवन यापन कर रही है उनके लिए सुरक्षित है, उनको प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा जो 14 विद्यालय खोले गए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, उन 14 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र वाले विद्यालयों में 75% जो जगह है, स्थान है, वो अल्पसंख्यक वर्ग और क्रमानुसार अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग को प्रवेश दिया जाता है जो बचा है। इसके अलावा यदि खंड स्तर पर इसको ये नामांकन करवाना है तो खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और संदर्भ व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, इन जो KGBV है इनको प्रोत्साहन देने हेतु मोटिवेशनल कैंप का भी आयोजन किया जाता है ताकि बालिकाएं प्रवेश ले इन विद्यालयों में, ये है। इसके अलावा इनमें KGBV में अभिभावकों के साथ जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ समय समय पर उनको परामर्श, उनके लिए उनको बुलाया भी जाता है, पेरेंट्स को भी। अब KGBV में जो प्रवेश लेने वाली बालिकाएं होती है उनको हमेशा किसके आधार पर प्रवेश दिया जाता है, कंडेंस्ड कोर्स के आधार पर, मतलब कक्षा 1 से 5 तक की जितने भी प्रश्न से संबंधित प्रश्न के आधार पर मॉड्यूल्स होते हैं उसमें से कक्षा 1 से 5 तक जितना भी उन्होंने पढ़ा है उसमें से क्या किया जाता है, टेस्ट पेपर दिया जाता है इन बालिकाओं को प्रवेश हेतु। ये ध्यान रखना, ये टेस्ट पेपर कई बार पूछ लिया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, कौन निश्चित करता है, SIERT उदयपुर। और फिर उस टेस्ट पेपर के आधार पर बालिकाओं को मान लेते हैं कक्षा 5 के बराबर और फिर कक्षा 6 से 8 के मध्य उनके प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में होती है एक छात्रावास प्रबंधन समिति, इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 10। इस समिति का नाम जो होता है विद्यालय और या फिर छात्रावास के नाम पर रखा जाता है जो भी हॉस्टल है। अब इम्पोर्टेंट बात है, जो ये छात्रावास प्रबंधन समिति होती है इसका अध्यक्ष विद्यालय में जो कोई अध्ययन कर रही बालिका के अभिभावक पेरेंट को ही बनाया जाता है, और सचिव होता है छात्रावास में प्रतिनियुक्त अथवा फिर या फिर कार्यरत जो अध्यापिका है उसको बनाया जाता है। इसके अलावा वार्डन भी सदस्य होती है छात्रावास प्रबंधन समिति की, और जो छात्रावास में रहने वाली बालिका वो भी सदस्य होती है। इसके अलावा स्थानीय एक महिला प्रतिनिधि होती है जो पेरेंट्स के द्वारा नामित की जाती है, वो भी सदस्य होती है। और कुल इनके अलावा जो कुल 6-10 सदस्य होते हैं उनमें से कुल 6 अभिभावक सदस्य भी होते हैं। इसकी बैठक भी बहुत जरूरी होती है, तो बैठक हर एक महीने में, प्रत्येक एक माह में इसकी बैठक अनिवार्य होती है। कार्यकाल 2 वर्ष होता है सदस्यों का, 2 वर्ष होने के बाद में वापस इसका पुनर्गठन किया जाता है। मुख्य बात यह है कि इसमें कम से कम न्यूनतम 50% महिलाओं की सदस्यता होनी चाहिए, जरूरी होती है। यदि कोई मीटिंग बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में जितने सदस्य हैं उसके आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होती है, और यदि नहीं होता है तो दोबारा बैठक बुलाई जाती है। इसके अलावा ये जो छात्रावास प्रबंधन समिति है इनसे संबंधित एक इस समिति के नाम से बैंक में अकाउंट भी खोला जाता है, और उसमें लेन देन जो अध्यक्ष होता है उस समिति का और सचिव, उन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से क्या किया जाता है, लेन देन। इसके अलावा जो कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, 2 तरीके के मॉडल बताए आपको, मॉडल फर्स्ट मॉडल थर्ड। मॉडल फर्स्ट जिसमें एक प्रधानाध्यापिका एक होती है, अध्यापिका 4 होती है, और इन्हीं में से किसी एक को वार्डन का पद दे दिया जाता है। इसके अलावा कुछ सहायक स्टाफ भी कार्यरत होते हैं और अंशकालीन अध्यापक भी होते हैं। मॉडल थर्ड जिसमें दो जो अध्यापिकाओं की प्रतिनियुक्ति की जाती है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अंशकालीन अध्यापिकाओं की नियुक्ति के प्रावधान भी इसमें KGBV में रखे गए हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कर्मचारी होते हैं, जो भी अध्यापिका प्रधानाध्यापिका जो भी है इसमें मॉडल थर्ड में, इनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम तृतीय अध्यापिका है जो होनी चाहिए, तृतीय श्रेणी योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए। तो ये थी मुख्य रूप से KGBV से संबंधित इम्पॉर्टेंट डेटास। ध्यान रखना है, एक तो नंबरिंग 186 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में 30 जिलों में, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में टोटल क्योंकि 14 अल्पसंख्यक क्षेत्रों में है, और 186 टोटल 200 KGBV, और 2011-12 में इसे सीनियर सेकेंडरी तक कर दिया गया है। इसकी संचालन समिति का अध्यक्ष होता है BRCF। ये ध्यान रखना है 2004 में SSA के अंतर्गत स्थापित। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल माई सुपरवाइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।